नमस्कार, आई एम अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शाह फोटोग्राफी। इस समय हम सब, पूरा देश, पूरा संसार एक बहुत ही दुविधाजनक स्थिति से गुजर रहा है। ये समय ऐसा है जिसमें हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कोरोना वायरस पूरे समाज पे उसने इस तरह से इम्पैक्ट डाला है कि सब लोग इस वक्त अपने घरों में बंद होने के लिए बाध्य हो गए हैं। हम चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, किसी भी तरीके की एक्टिविटी, बाहर के किसी भी तरीके के कामकाज करने सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस हम सब जानते हैं, इस तरीके का वायरस है जो स्प्रेड बहुत तेजी से होता है, जिसका इन्फेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत स्पीडली स्प्रेड अप होता है। हमारी गवर्नमेंट, पीएम मोदी जी, सब लोग बहुत ज्यादा अपील कर रहे हैं कि हम सब लोग घरों पे रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने हाथ निरंतर धोते रहें, महज सिर्फ पानी से ही नहीं, साबुन से, और साबुन से भी एटलीस्ट कहा जा रहा है कि 20 से 25 सेकंड्स तक हम रेगुलर अच्छी तरह रगड़ रगड़ के हाथों को धोएं, जिससे जो वायरस का इन्फेक्शन अगर हमारे हाथों में, नेल्स पे, कहीं पर भी है, तो वो अच्छी तरह निकल के जो फोर्थ होते हैं, जो झाग होते हैं साबुन के, उसके साथ ड्रेन आउट हो जाए। पीएम मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि कोई भी घर से बाहर रोड पर ना निकले, पर कुछ तत्व समाज के ऐसे हैं जो कि इस चीज को नहीं समझते कि कितना बड़ा खतरा हम लोगों के ऊपर आया हुआ है। वो लोग अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, चीजों को लाइटली ले रहे हैं, खड़े होके अभी भी गॉसिप्स कर रहे हैं, नुक्कड़ पे खड़े हैं, मतलब कहीं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं वो कुछ कर रहे हैं, और ये कोई बच्चे नहीं है, ये हमारी आपकी उम्र के लोग हैं, ये मुझसे भी बड़ी एज के लोग हैं। और ऐसे ही लोग सार्थक करते हैं उन कहावतों को जिनमें कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसे लोग कहीं पर भी आपको नजर आए तो आप 100 या 112 पर पुलिस को इन्फॉर्म करें। इमीडिएट एक्शन पुलिस ले रही है, पर इस चीज को ये सोचकर चुप बैठे रहना कि नहीं चलो ये लोग कर रहे हैं तो करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उन कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से, मूर्ख लोगों की वजह से ये चीज और ज्यादा स्प्रेड होने लगी, या कोरोना वायरस जहां पे अभी तक अप्रोच नहीं हुआ है उन जगह भी अप्रोच होने लगा, तो ये एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जो कि हम जानते हैं कि यूएस और इटली में क्या हुआ है। यूएस और इटली जो पूरे विश्व के मेडिकल साइंस की टर्म्स में नंबर 2 पोजीशन पर आते हैं, उन दोनों देशों ने भी बिल्कुल हाथ खड़े कर रखे हैं कोरोना वायरस के आगे। और इसका एकमात्र उपचार जो हम लोगों को अभी नजर आ रहा है वो सिर्फ इतना ही है कि अपने घरों से बाहर ना निकला जाए और एक सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के किसी भी ह्यूमन से एक मुताबिक दूरी बना के रखी जाए, जिससे कि अगर वो इन्फेक्शन उसको हुआ है तो वो आप तक ना आए, क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर किसी को है तो इमिडिएटली पता नहीं चलता। इट टेक्स एटलीस्ट 14 to 18 days टू एक्चुअली गेट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन हैज बीन कैरिड अवे बाय दिस पर्सन। तो अभी बहुत जरूरी है कि हम सब अपने घरों में बने रहें। कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू अगर इस कंडीशन का देखा जाए तो कितना अच्छा समय है कि हमें वो समय मिल रहा है कि हम अपने परिवार के साथ समय गुजार सकते हैं। हम हमेशा बोलते रहते थे कि यार हमें समय नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता, मैं अपने ऑफिस में, अपने काम में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने अपने जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इतना बिजी रहता हूँ कि आई नेवर गेट टाइम विद माई फैमिली, फॉर माई फैमिली। लेकिन दिस इज़ द अमेजिंग टाइम कि एक्चुअली हम क्वालिटी ऑफ टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, घर के जो काम काज है उनमें उनका हाथ बटा सकते हैं। अब जो मुझे समय मिल रहा है, आई जस्ट कुक फॉर माई फैमिली, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया नया बनाता रहता हूँ, और जो भी मेरी एक्टिविटीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं करता रहता हूँ। पर ये बहुत जरूरी है कि हम घरों में रहते हुए उस एक्टिविटी को ढूंढें जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। डू एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव थिंग्स विच यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू सिंस योर चाइल्डहुड। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम हमेशा करना चाहते हैं कि हमें टाइम होगा तो मैं ये करूंगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये करूंगी, पर दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द टाइम टू डू। सो चाहे कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, आपको कुकिंग अच्छा लगता है, आपको पोएम्स लिखना अच्छा लगता है, पोइट्री अच्छा लगता है, नॉवल कहानियां लिखना अच्छा लगता है, आप कर सकते हैं। आपको गाना अच्छा लगता है, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, डू दैट। आपको कहीं जाके क्लास लेने की जरूरत नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, यूट्यूब पे आप सीख सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। और स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बिल्कुल बाहर ना निकलें, कहीं मजबूरन आपको अगर बाहर जाना भी होता है सब्जी लेने, दवाइयाँ लेने, दूध लेने,
या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज जो कि घर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना घर नहीं चल सकता, और किसी के घर के सदस्य को बाहर जाना भी है उसको लेने के लिए, तो अच्छी तरह हैंड वॉश करके जाएं, घर आते ही फिर से हैंड वॉश करें, जो जूते चप्पल आप पहन के गए हैं, कपड़े पहन के गए हैं, उनको एकदम से अलग रख दें, और अपने साथ एक सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल भी आप कैरी कर सकते हैं जो कि सबके घरों में इस वक्त है। और मतलब स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, एक इंसान को होता है उससे उसके पूरे घर को फैलता है। जब तक आपको पता चले कि ये चीज़ हो चुकी है, आप औरों के संपर्क में आते हैं, इसको और फैलाते हैं, और ये एक ऐसी चेन है जिसको तोड़ना तभी मुनासिब है जब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो जाते जाते एक छोटा सा पॉइंट मैं और कहना चाहूँगा कि अभी हम लोगों के पास कुछ राशन घरों के अंदर है, और वो राशन हमने कलेक्ट करके रख लिया है अपने पास, और क्योंकि अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं लॉकडाउन हुए हुए, और अभी सब लोग परिवार के इकट्ठे घर पे रह रहे हैं, तो हमारे पास राशन भी है, और हमारा मन करता है कि चलो हम ये भी बना लें, वो भी बना लें, ये भी खा लें, वो भी खा लें, और ये स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन अकलमंदी थोड़ी सी इस चीज़ में हमारी होगी, ये सिर्फ मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, आप इसे किसी और तरह से ना लें, कि जो राशन हम 7 दिन या 8 दिन चला सकते हैं, उस राशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम 10-11 दिन तक चलाएं, या एटलीस्ट कुछ समय तक उसे और आगे स्ट्रेच करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें नहीं पता राशन अभी तो अवेलेबल है कि कब तक ये सिचुएशन हमारी बरकरार रहेगी। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे नज़र आता है, वो नज़र यह आता है कि अगर हम घर में बैठे हुए कोई एक्टिविटी तो हमारी हो ही नहीं रही है, बाहर हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, बाहर कुछ भी बहरहाल हम चलो एक्सरसाइज ही ना सही, लेकिन हम बाहर नॉर्मली भी चलते हैं तो भी हमारी कैलोरीज बर्न होती है, लेकिन अभी वो स्थिति तो है ही नहीं यहाँ, या तो हम सिर्फ टीवी देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, बच्चों के साथ कुछ और गेम्स खेल लिए, कुछ भी कर लिया जो कि इंडोर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे जिससे कि हमारी वर्कआउट हो रही हो या हमारी कैलोरीज बर्न हो रही हो। मैं उस बारे में भी बात करूंगा कि हम क्या ऐसी क्योंकि एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि हमारी कैलोरीज को हम मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राशनिंग पे हम ध्यान दें जो कि हमारी कैलोरीज बढ़े ना, हम ज़्यादा फैटी ना हो, अननेसेसरी ओबेसिटी हमारी इंक्रीज ना हो, क्योंकि 21 दिन में एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आप कॉन्टिन्यूसली अगर आप एक्टिव नहीं हैं सोशली, या फिर रोड पर आप एक्टिव नहीं हैं, आउटडोर आप एक्टिव नहीं हैं, तो आपका फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये 2-3 दिन में नहीं होता, पर 21 दिन या हो सकता है ये टाइम और स्ट्रेच हो जाए, तो ये एक समय अवधि ऐसी होती है जिसमें ये चीज़ होनी स्वाभाविक है। इसको मेंटेन करने के लिए हम इंडोर वॉक कर सकते हैं, हमारा घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इतना स्पेस हमारे पास होता है कि हम किचन से एक राउंड अपने एक रूम तक, या 2-3 रूम में ऐसे घूम सकें, या कुछ इतना घूम सकें कि एटलीस्ट मैं ठीक है, मैं चल रहा हूँ, कम स्पेस में ही चल रहा हूँ, पर घड़ी में देखकर मैं एटलीस्ट 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स चल रहा हूँ, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम कुछ एक्टिविटी करते हुए करूँ, जैसे कि घर में पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, अब मेड तो आ नहीं रही है, और तो घर वालों में सब काम हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे सब लोग फिट भी रहेंगे। मैं खुद घर की सफाई करता हूँ, उससे मेरा वर्कआउट भी हो जाता है, एंड मैं क्योंकि खुद थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हूँ और अपनी कैलोरीज का ध्यान रखता हूँ, और मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा करना में ज़्यादा जगह भी नहीं आपको चाहिए होती, मुश्किल से एक योगा मैट अगर नहीं है तो एक छोटा सा स्पेस आपके लिए बहुत है जिसमें कि आप योगा किसी भी प्रकार की YouTube पे देखकर सीख सकते हैं, अच्छी चैनल से देख सकते हैं, और हल्का हल्के एक्सरसाइज करके, योगा किसी भी तरह का व्यायाम करके आप एक अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो कैलोरीज का बहुत ध्यान रखें, राशन का बहुत ध्यान रखें, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, परिवार का बहुत ध्यान रखें, सैनिटाइजर, हाथ धोने का साबुन से 20 से 25 सेकंड हाथ जरूर धोएं, और हर 1.5-1.5 घंटे तक हाथ जरूर धोते रहें। पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 100112 इस वक्त 9 नंबर्स हमारे पास हैं, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, इन नंबर पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये जो समय पूरे विश्व के आगे आया है, शांति से, समझदारी से ये निकल जाएगा। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टाइम इज इट नेवर रिमेन सेम। Thank you so much.